समझ सकते हो कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है नाव और एक है पानी या करंट। ठीक है, अब देखिए नाव किसमें चलती है, इतना बात तो सभी को पता है कि नाव पानी में चलती है, नाव नदी में चलती है। ठीक है, तो बोट जो है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, वाटर की भी कुछ ना कुछ अपनी स्पीड होती है। अब बोट की स्पीड जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, तो ध्यान से समझेंगे। मैं आपके सामने एक चीज लिखने वाला हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर? ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या स्थिर पानी में, या स्थिर पानी में, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की चाल। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिर पानी में नाव की चाल, शांत जल में, शांत जल में, शांत धारा में नाव की चाल। ठीक है, वैसे तो पानी बहता रहता है, सड़ा हुआ पानी तो मतलब गंदा रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है। सेम टू सेम इंसान की नेचर के साथ है, अगर आप चलते रहोगे, खुद को एनर्जी में रखोगे, चलायमान रहोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर ठहर जाओगे तो आप भी खराब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा बोट के साथ है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर हम पानी को थोड़ी देर के लिए स्थिर मान ले, या कोई एक ऐसा इमेजिनरी आपके पास नदी या तालाब हो जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, अगर मैं उसमें एक नाव छोड़ता हूं तो नाव जिस स्पीड से चलती है, स्टिल वाटर में नाव जिस स्पीड से चलती है वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और इसको मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन नाम दे रहा हूं एक्स। इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है ज्यादातर हम उसको किलोमीटर पर आवर में ही डिनोट करते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यदि थोड़ी देर के लिए मैं पानी को स्थिर कर दूं कि पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, और मैं अब उसमें एक नाव छोड़ू, तो नाव जो चलेगी वो स्थिर जल में चलेगी, तो स्थिर जल में नाव अपनी खुद की एफिशिएंसी से चलेगी, तो वो जो नाव की स्पीड होगी, स्टिल वाटर में जो नाव की चाल होगी, वही होती है आपकी एक्स किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो सभी स्टूडेंट को पता होगी। दूसरी बात होती है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं धारा की चाल। ठीक है, वैसे तो पानी आपका स्थिर नहीं होता, पानी तो चलायमान होता है, पानी तो एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, तो पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है या रिवर या धारा की जो चाल होती है उसको मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन नाम दे रहा हूं वाई। इसको हम वाई से डिनोट करेंगे, तो वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। बोले कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज वाई किलोमीटर पर आवर। हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने, सॉरी बोट एंड स्टीम के जितने भी सवाल होंगे, हम उसको नाव को पानी में छोड़ेंगे, तो क्वेश्चन केवल और केवल मेरा तभी बनेगा जब मेरा एक्स की स्पीड वाई से ज्यादा हो। एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू जो होगी हमेशा वाई से बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी? क्यों? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर स्टिल वाटर में पानी की, इस बोट की जो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर है और पानी की चाल वाई किलोमीटर पर आवर है, अगर सपोज तुम्हारा पानी की चाल ही ज्यादा होगी, पानी तो बह रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आपकी नाव चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पानी तो नाव को बहा कर ले जाएगा, और जब नाव ही बहेगी तो सवाल कैसा? तो सवाल तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको केवल केवल तभी बनता है जब आपकी बोट की जो स्पीड होती है स्टिल वाटर में वो ग्रेटर हो स्पीड ऑफ करंट से। बोले यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो दोनों चीजों में, क्या नोटेशन है, क्या इनका मतलब होता है? अब दो केस आपके सामने बनते हैं, दो केस आपके सामने बनते हैं। अब मेरे पास एक नाव है और मेरे पास एक नदी है, मैं नाव को नदी में उतारता हूं तो मेरे पास दो रास्ते होते हैं, या तो मैं पानी की दिशा में चलूं, या फिर मैं पानी के बहने के अपोजिट दिशा में चलूं, या तो मैं नदी के बहाव के साथ चलूं नाव में, या फिर मैं नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलूं। तो गौर से सुनना है, देयर इज अनदर वर्ड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, नाव की चाल क्या होगी? पानी के बहने की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ वर्ड होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को मुझे बताइए। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, डाउन स्ट्रीम भी हम लोग इसको कहते हैं, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपकी एक नदी है, ये आपकी एक नदी है, इस तरीके से ये हो गया। बोले कोई दिक्कत है? और ये जो नदी है इसका जो पानी है ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, नदी का जो पानी है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने इसमें अपनी एक सुंदर सी नाव उतारी, ये होगी हमारी एक नाव। ठीक है, ये हमने नाव उतारी, तो नाव जो है मेरी ये भी बड़ी चंचल है, ये भी पानी के बहाव की दिशा में ही चल रही है। तो नाव की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में, नाव की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। इस नाव की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। पर ये जिस पानी में उतारी गई है वो पानी की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे बताइए क्या नदी का ये पानी इस नाव को अपने साथ साथ ले जाने की कोशिश नहीं करेगा? तो नाव की जो स्पीड आएगी, अगर नाव पानी के बहाव की दिशा में चलती है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट चलती है, तो बोट की जो स्पीड होगी, बोट की जो स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी बोट की, वो होती है x प्लस y, वो होती है x प्लस y। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है बोट की वो होती है
है आपकी x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है बोट की x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है बोट की ही स्पीड लेकिन करंट की दिशा में, धारा की दिशा में। So downstream speed is the speed of boat along with the direction of current. Speed of boat अगर शांत जल में होती तो x होती, लेकिन पानी भी y की चाल से चला तो पानी भी नाव को अपने साथ साथ बहा कर ले जाएगा, तो boat की जो effective speed आएगी downstream पानी के बहाव की दिशा में वो x plus y होगी। Clear है, कोई doubt है इसमें किसी भी student को यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरा केस हमारा ये पॉसिबल हो सकता है कि जो आपकी नाव हो वो पानी के बहने की विपरीत दिशा में हो, कोई अकड़ो नाविक हो तुम्हारी तरह, ठीक है। चलिए तो ये है आपका स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, स्पीड ऑफ ए बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इंग्लिश में आया तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी में क्या होगा, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये होगा हिंदी में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्लियर है, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। इसको हम अप स्ट्रीम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया हम, इसको हम अप स्ट्रीम भी कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को। और इसको हम कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, दिक्कत होगी अभी समझ में नहीं आया होगा। सपोज ये आपकी एक नदी है, सपोज ये आपकी एक नदी है, इसमें पानी जो है ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां पे पानी जो है आपका इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है, यानी कि मैं कहूंगी तो पानी जो है इस दिशा में जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये आपका स्पीड ऑफ करंट है। नदी इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में नदी आपकी बह रही है। अब एक आदमी अपनी नाव लेके इस नदी में उतर जाता है, तो ये हो गया आदमी उतर गया नाव लेके इस नदी में, ये हो गया, कोई दिक्कत है ये नाव लेके, लेकिन नाव जो नाव जो चल रही है वो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में इस तरफ ये है। बोले कोई डाउट है, अब मुझे ये बताइए कि इस बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में शांत जल में इस नाव की चाल है x किलोमीटर बराबर। अब इस पानी को सॉरी नाव को मैंने उतार दिया पानी में जो कि नाव की विपरीत दिशा में जा रहा है, स्पीड और करंट की जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये पानी जो है नाव की स्पीड को कम नहीं कर देगा, नाव तो चला रहे हो आप इस डायरेक्शन में और नदी बह रही इस डायरेक्शन में, तो ये जो पानी नदी के नाव के विपरीत है, जो पानी जो नाव के विपरीत है, ये नाव की स्पीड को कम नहीं कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा। तो इस केस में इस बोट की जो स्पीड होगी उसी स्पीड को बोलते हैं बोट की अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड भी बोट की ही नाव की ही चाल होती है, और नाव की चाल जो है ये कितनी होती है तुम्हारी x माइनस वाई, दिस इज x माइनस वाई। बोले यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो u बराबर ये कितना हो गया आपका, ये हो गया x माइनस वाई। बोले यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपकी बोट इस डायरेक्शन में है, नदी उस डायरेक्शन में, तो बोट जो है पानी की दिशा के विपरीत चल रही है, तो इसकी वजह से बोट की स्पीड क्या है थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर बराबर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है भैया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x प्लस y, क्लियर है। यहाँ पे x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y क्या स्पीड ऑफ करंट, मैंने आपको बताया अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस y, जहाँ x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y क्या है स्पीड ऑफ करंट, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैंने मस्ट बोल दिया कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पानी जो है नाव को अपने साथ बहाकर ले जाएगा, और जब पानी नाव को अपने साथ बहाकर ले जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी, और वो हम चाहते नहीं है, ठीक ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन आपकी ये है, एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, d प्लस u बाई टू, दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, d प्लस u बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d प्लस u बाई टू। यानी कि अगर आपको स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड को जोड़कर आधा कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड को जोड़कर क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए। बोले कोई दिक्कत, अगर आपको करंट की स्पीड निकालना हो, अगर आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना हो y, तो दोनों क्वेश्चन को अगर मैं घटा दूं तो एक्स एक्स कर जाएगा, डी माइनस यू बाई टू, तो स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड को घटाकर आधा कर दीजिए, डी माइनस यू बाई टू, डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड को घटाकर आधा कर दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो ये चारों बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है अप स्ट्रीम की स्पीड से, ये रिजल्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई, अगर नाव जो है नदी के बहाव की दिशा में चलेगी तो नाव की चाल ज्यादा होगी, रादर देन वो नाव जो है नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चले, डाउन स्ट्रीम हमेशा देखिए यहां पर दिख भी रहा है ग्रेटर होता है अप स्ट्रीम की स्पीड से। क्लियर, तो ये सब बेसिक बेसिक सी बातें थी बोट एंड स्ट्रीम के बारे में जो पता होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन पे मूव करेंगे, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे बन जाती है, लेकिन कुछ ही रिपीटेड मॉडल्स है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 1, बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से समझना है। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम विद स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। एक बोट सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कवर करती है तो नाव की स्पीड दी है धारा की दिशा में, डाउनस्ट्रीम कितना दिया 33 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर, वो सेम डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम धारा के बहाव की विपरीत दिशा में, किस स्पीड से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपस्ट्रीम कितना रखा 14 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड ही बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये ऑप्शन तो दो ऑप्शन तो आपके देखते ही इलिमिनेट हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट हमेशा
ज्यादा होती है स्पीड ऑफ करंट से, या तो कम दिख रही है तो गलत है आंसर। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है x, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 33 + 14/2, ठीक है, तो 47/2 यानी कि आ जाएगा 23.5 किलोमीटर पर आवर। बोले कोई दिक्कत है? ऐसा सवाल भी पेपर में आता है, प्री के पेपर में भर भर के आते हैं, हल्के में नहीं लेंगे। अगर आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से अपस्ट्रीम की स्पीड को घटाइए और आधा कर दीजिए। बोले ठीक है, 33 - 14 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 19 - 2 यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ करंट। क्लियर है? आपको टर्मिनोलॉजी पता ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2 पेपर का आया, वो सवाल है ए बोट मूव्स डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट। एक बोट जो है डाउनस्ट्रीम 7.5 मिनट में, बोट जो है डाउनस्ट्रीम 7.5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 1 किलोमीटर। अगर 7.5 मिनट में, अगर 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करती है तो 60 मिनट में कितना, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, भाई 8 × 7.5 कितना होता है 60 होता है ना, 60 मिनट में कितना जाएगी 8 किलोमीटर। अगर बोट डाउनस्ट्रीम 60 मिनट में 8 किलोमीटर जा रही है तो बोट की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ही होता है ना, 8 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? 8 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, एंड अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर एन आवर, और अपस्ट्रीम कवर करती है 5 किलोमीटर एक आवर में, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बताइए, यानी कि x पूछा है। तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड को जोड़कर क्या करना है? आधा, 8 + 5 = 13/2, यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। लेकिन आप इस सवाल को वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे बिना पेन उठाए। मुझे ये बताइए कि अगर आप स्टीम की नाव के बहाव की विपरीत दिशा में, अगर सॉरी नदी के बहाव की विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर में तो नाव की स्पीड 5 से ज्यादा ऊंची, अगर 5 से ज्यादा ऊंची तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है ना ये आंसर पॉसिबल है, दोनों आंसर पॉसिबल नहीं, कट गया। अगर बोट 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, तो 60 मिनट में 8 किलोमीटर जाएगी, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो जाहिर सी बात है स्टिल वाटर में नाव की चाल जो होगी वो डाउनस्ट्रीम से कम होगी, तो आंसर 8 किलोमीटर पर आवर भी पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही आंसर पॉसिबल था, बी ऑप्शन। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को बना सकते हो रादर देन सॉल्व करने के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपका 3। ए बोट कवर्स 93 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4.5 आवर। ए बोट जो है 93 किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम 4.5 घंटे में कवर करती है, तो 93 किलोमीटर बोट पानी के बहाव की दिशा में 4.5 घंटे में जाती है, तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, पॉइंट टाउ के 0 बढ़ाओगे तो 15 × 96 और 15 × 2 = 30 और 15 × 3 = 45, 62/3 = 62/3 ये बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, ठीक है। वेयर एज 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर, जबकि बोट जो है 105 किलोमीटर की डिस्टेंस से जाती है अपस्ट्रीम, 6 आवर 18 मिनट, अच्छा 6 आवर 18 मिनट दे रखा है, तो 6 घंटा 18 मिनट का मतलब 18/60 यानी कि 3/10 आवर, 3/10 आवर हो गया ना, तो 10 × 60 + 3 63/10 आवर हो गए, 63/10 आवर। तो अपस्ट्रीम में बोट 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में ट्रेवल करती है? 63/10 आवर्स में ट्रेवल करती है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? ये हो जाएगी 105 × 10/63 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो 21 + 63 = 21 = 105 यानी कि 50/3 50/3 किलोमीटर पर आवर ये आ गई आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड। बोले यहां तक कोई डाउट है? आपसे पूछा धारा की चाल यानी कि आपसे वाई पूछी है, तो क्या करेंगे वाई करने के निकालने के लिए? डाउनस्ट्रीम से आप स्ट्रीम की स्पीड को घटाकर आधा कर देंगे, तो 62/3 - 50/3 तो 12/3, 12/3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4, और उसका भी हाफ करोगे तो 4/2 कितना जाएगा आंसर 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत हो? 12/3, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। देखिए बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 27 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। इट कवर्स अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4 आवर 15 मिनट, और ये बोट जो है अपस्ट्रीम 85 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 4 घंटे 15 मिनट में, 4 घंटे 15 मिनट का मतलब 4 + 1/4 आवर यानी कि 17/4 आवर्स में, तो 17/4 आवर्स में अपस्ट्रीम में 85 किलोमीटर जाती है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 17 × 85 = 20, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। मुझे यह बताइए कि बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी है? 27। बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी? 27। और बोट की स्पीड धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कितनी स्पीड कम हो गई? 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई, यानी कि करंट की स्पीड कितनी रही होगी? 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन। ऐसे करना था, चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हो कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? x - y। अपस्ट्रीम दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है? 27। आपसे स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो y बराबर 27 - b यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। इतना घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है? सीधा सोचो कि अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 27 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 20 है, तो कितनी स्पीड कम होगी बोट की? 7 किलोमीटर पर आवर। क्यों कम हुई? क्योंकि धारा के बहाव की विपरीत दिशा में, तो साथ क्या हुई? धारा की चाल होगी। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर है आपका 5। सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर से समझना।
द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 30.6 किलोमीटर पर आवर. एक बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम कितना दे रखा है 30.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मैं डाटा लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, अदरवाइज पेपर में आपको दिमाग में करना. स्पीड ऑफ करंट इज 4.5 मीटर पर सेकंड. करंट जो है धारा की चाल 4.5 मीटर पर सेकंड दिया है, सेकंड मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 45 यानी कि 0.9, 18 × 162 यानी कि 16.2 किलोमीटर पर आवर, 16.2 किलोमीटर पर आवर हो गया. बताइए यहां तक कोई डाउट हो इसमें किसी भी स्टूडेंट को. तो स्पीड ऑफ करंट हो गया 16.2 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो बोट को 210 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, तो आपसे टाइम पूछा. टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड. 210 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखे तो आपको केवल बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए. क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब आपके पास बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड हो. क्लियर है? मुझे पता है कि स्पीड ऑफ करंट 16.2 किलोमीटर पर आवर है. अगर स्पीड ऑफ करंट 16.2 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस 16.2 ये अपस्ट्रीम की स्पीड होगी. अपस्ट्रीम की स्पीड होगी इक्वल टू 30.6. तो x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 46.8 किलोमीटर पर आवर. या अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कभी कभी क्वेश्चन में इतना भी पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताइए, तो आंसर कितना हो जाएगा 46.8 किलोमीटर पर आवर. कोई दिक्कत है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स, स्पीड ऑफ करंट 16.2 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 30.6, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना 46.8, 46.8 किलोमीटर पर आवर आ गया. अगर मुझे डाउन स्टीम स्पीड निकालना तो डाउन स्टीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट, दैट मीन 46.8 प्लस 16.2. ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63. 40 प्लस 16 62 हो गया ना, 62 प्लस 1 63 किलोमीटर पर आवर ये बोट की डाउन स्ट्रीम आ गई 63 किलोमीटर पर आवर. तो 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से 210 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, 210/63, तो 21 से 10 बार 21 या 63 10/3 यानी कि 3 से ही 1/3 आवर. 3 से 1/3 आवर का मतलब 3 घंटा 20 मिनट. 3 घंटा 20 मिनट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. सवाल नंबर 6, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 7 किलोमीटर पर आवर. तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x दे रखा है आपको 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट दे रखा है 7 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर, x और y की वैल्यू दे रखी है. इफ ए बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, यदि एक बोट जो है ए से बी तक जाती है और बी से ए तक वापस आती है, तो काफी लॉजिकल सा क्वेश्चन है. देखिए जैसे ही तुम्हारा एक प्लेस हो गया ए और ये आपका दूसरा प्लेस हो गया बी, अगर कोई बोट प्लेस ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, तो मुझे बताइए कि अगर बोट ए से बी तक सपोज डाउन स्ट्रीम गई होगी तो वापस अपस्ट्रीम आई होगी, अगर बोट अपस्ट्रीम गई होगी तो वापस डाउनस्ट्रीम आई होगी. तो यानी कि एक डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर हुई है, एक डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कवर हुई है ए से बी तक की. एंड इट टेक्स 6 hours 40 minutes इन टोटल, बोट को टोटल जर्नी में ए से बी तक जाने और बी से ए तक वापस आने में 6 घंटा 40 मिनट का समय लगता है. फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउनस्ट्रीम. तो बताइए बोट को ए बी का दोगुनी दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा. तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड. ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है इसमें रेशियो मेथड. क्लियर है? चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड के रेशियो की बात करूं, तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 25 है, ये 7 है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 32 और अपस्ट्रीम हो जाएगा 25 − 7 = 18. तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की स्पीड का रेशियो आ गया 32:18. बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 32:18 है, यानी कि 16:9 आ गया. ये स्पीड का रेशियो आ गया 16:9. गौर से समझना इस बात को ध्यान से कि अगर बोट ए से बी तक डाउन स्ट्रीम जाती है तो सेम उतनी ही दूरी बी से ए तक अपस्ट्रीम वापस आती है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के जस्ट रिवर्स होगा, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, यानी कि ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने और बी से ए तक अपस्ट्रीम आने में जो समय लगेगा वो 9:16 के रेशियो में होगा, 9:16 के रेशियो में होगा. तो टोटल जाने और आने में टोटल समय कितना लगा, 9 + 16 = 25 यूनिट टोटल समय लगा ए से बी तक जाने बी से ए तक आने में, जबकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग समय लगा कितना, 6 घंटे 40 मिनट. 6 घंटे का मतलब 360 मिनट + 40 यानी कि 400 मिनट. तो 25 यूनिट के लिए क्वेश्चन में 400 मिनट दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/25 यानी कि 16 मिनट. एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक यूनिट के लिए आपकी 16 मिनट आ गई. बोले यहां तक कोई डाउट है? अगर एक यूनिट के लिए 16 मिनट आ गई तो डाउन स्ट्रीम जाने में डिस्टेंस ए बी कितना समय लगता है, 9 यूनिट, लेकिन 9 × 16 यानी कि 144 मिनट. 16 × 144 मिनट यानी कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करनी हो प्लेस ए से प्लेस बी तक, तो आपको जो समय लगेगा वो 9 यूनिट यानी कि 9 × 16 144 मिनट लगेगा. कितना लगेगा, 144 मिनट. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ए बी का डबल डिस्टेंस जाना, ए बी के दोगुनी दूरी जाना, अगर दोगुनी डिस्टेंस जाना है तो आपको टाइम भी डबल लगेगा, यानी कि 140 मिनट की बजाय आपको कितना समय लगेगा डबल डिस्टेंस जाने में भी से 288 मिनट. एंड 288 मिनट का मतलब कितना हो गया, 240 मिनट + 48 मिनट यानी कि 4 hours 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा. क्लियर? तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं. अगला सवाल हम लोग देखेंगे.
सवाल नंबर है 7, देखिए सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल पहले भी पेपर में आया है और भी आ सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी 176 किलोमीटर, दो प्लेस है, ठीक है, गौर से सुनना, दो प्लेस है ए और बी जिनके बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। तो प्लेस ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज 174 किलोमीटर, 174 किलोमीटर, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, दो बोट पॉइंट ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बोट अपस्ट्रीम चलेगी तो दूसरी बोट क्या चलेगी, डाउनस्ट्रीम चलेगी। अगर एक बोट अपस्ट्रीम है तो दूसरी बोट डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है एक धारा के विपरीत दिशा में होगी, धारा की दिशा में होगी, क्लियर है। If their speed in still water is 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर, यदि दोनों बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों बोट एक दूसरे को कितने घंटे में मिलेंगी। अच्छा, मैंने ये मान लिया कि स्पीड ऑफ करंट वाई है, स्पीड ऑफ करंट क्या है वाई। अगर पहली बोट अगर आपकी अपस्ट्रीम जा रही है, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड 9.6 किलोमीटर पर आवर है, तो इस बोट की स्पीड होगी कितनी अपस्ट्रीम में, 9.6 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेकंड बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है आपको क्वेश्चन में 19.4 किलोमीटर पर आवर, और अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रही है तो डाउनस्ट्रीम इसकी स्पीड हो कितनी जाएगी, 19.4 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो दो बोट है वो एक दूसरे की तरफ इस स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो दोनों बोटों को एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 176 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का सम, दोनों बोटों की स्पीड का सम, यानी कि 9.6 माइनस वाई प्लस 19.4 प्लस वाई, देखिए वाई से आपका वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा 174, 174 डिवाइडेड बाई 19 और 9 28, 28 प्लस 1 29, 174 बटे 29 आवर, यानी कि कितना आ जाएगा तुम्हारे 6 आवर्स। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 घंटे, ठीक है, 30 छक्का 180 होता है ना, तो 6 कम है, 6 आवर्स। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो डी ऑप्शन क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट लग गया, एक बोट अपस्ट्रीम एक बोट डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ करंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है 8, सवाल नंबर 8 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, पेपर में इस टाइप का सवाल बन सकता है, ध्यान से समझेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 211 किलोमीटर, दो प्लेस है ए और बी जिनके बीच की दूरी 211 किलोमीटर है, तो ये हो गया प्लेस ए और ये हो गया आपका प्लेस बी, ठीक है, इनके बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, 211 किलोमीटर। अच्छा, अब हुआ क्या, वन बोट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी इन डाउनस्ट्रीम एट 7:45 AM, एक बोट ए से बी की तरफ चलना शुरू करती है डाउनस्ट्रीम, तो पहली बोट जो है ये जा रही है डाउनस्ट्रीम, कितने बजे चलना शुरू करती है, 7:45 AM पर, 7:45 AM पे चलना शुरू करती है यहां से बोट ए पॉइंट ए से डाउनस्ट्रीम चलना शुरू करती है। आफ्टर वन आवर एक घंटे के बाद अनदर बोट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी टुवर्ड्स ए, एक घंटे के बाद यानी कि 8:45 AM पर दूसरी बोट यहां से चलना शुरू करती है टू पॉइंट बी से ए की तरफ, एक बोट इधर चलना शुरू करती है और एक बोट ए से चली है बी की तरफ, ये जो है ये डाउनस्ट्रीम है, तो ये जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम, अगर पॉइंट ए से बोट डाउनस्ट्रीम आ रही है तो पॉइंट बी से बोट जो आएगी वो अपस्ट्रीम हो जाएगी, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, साफ साफ बोला गया है कि यहां से जो बोट चलती है 7:45 तो वो डाउनस्ट्रीम है धारा की दिशा में, तो यहां से जो बोट होगी ये अपस्ट्रीम होगी, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट एंड सेकंड बोट इन स्टिल वाटर 26 और 18 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत, अगर इसकी स्टिल वाटर स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर है, डाउनस्ट्रीम बह रही है, तो डाउनस्ट्रीम इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 26 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जहां पे वाई का स्पीड ऑफ करंट, अगर ये डाउनस्ट्रीम है तो यहां से जो बोट है वो अपस्ट्रीम फ्लो हो रही होगी, अपस्ट्रीम चल रही होगी, अगर इसकी स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दोनों बोट एक दूसरे को 12:45 पर मिलती है, तो दोनों बोट सपोज एक दूसरे को यहां पर मिली इस पॉइंट पे 12:45 पर, दोनों बोट एक दूसरे को यहां पर मिली, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इस वाली बोट ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। अच्छा, और फर्स्ट वाली बोट ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, क्लियर है, कोई डाउट है। अब मुझे जरा ये बताइए, ध्यान से सुनना, इस वाली बोट ने 7:45 पे चलना शुरू किया, इस वाले 8:45 पे चलना शुरू किया, यानी ये वाली बोट शुरू के एक घंटा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया 7:45 से 8:45 तक, अगर 7:45 से 8:45 तक ये बोट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो एक घंटे में सपोज ये यहां तक आ गई होगी, एक घंटे में एसी ट्रेवल की होगी यहां से लेकर यहां तक, एक घंटे में उसने ट्रेवल किया होगा, फिर 8:45 में ये इधर से और ये इधर से दोनों बोट चली है, तो 8:45 से ये वाली बोट भी चल रही है, ये वाली बोट भी चल रही है, तो दोनों बोट एक दूसरे को 12:45 पर मिली, यानी कि दोनों बोट्स ने कितने घंटे ट्रेवल किया, 4 घंटे, दोनों बोट्स ने कुल मिलाकर कितने घंटे ट्रेवल किया, 4 घंटे, भाई 7:45 से 8:45 तक ये बोट अकेले चली है डाउनस्ट्रीम, 8:45 पर पॉइंट सी पर आ गई और ये बोट भी इधर से चालू हो गई, दोनों लोग चल रहे हैं, दोनों बोट चल रही है डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, और 12:45 पे मिलती है, तो 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे तक दोनों बोट ने ट्रेवल किया, तो 4 घंटे में दोनों बोट मिलकर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसकी स्पीड कितनी 26+y, इसकी स्पीड कितनी 18-y, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 26+y+18-y, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों बोट्स की, और दोनों बोट्स ने टोटल कितने समय तक ट्रेवल किया 4 घंटे तक ट्रेवल किया, तो 26+18 = 44 यानी कि 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर, यानी कि दोनों बोट्स ने यहां से यहां तक 4 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी मिलाकर वो 176 किलोमीटर होगी, 176 किलोमीटर होगी, क्योंकि एक डाउनस्ट्रीम है एक अपस्ट्रीम है, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, अगर 176 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है 7:45 से 8:45 से 12:45 उनके मिलन तक,
और पूरी डिस्टेंस 211 है, तो ये डिस्टेंस 211 माने 174 24 प्लस 11 कितनी होगी 35 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी 35 किलोमीटर की। 35 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी कि नहीं बोले, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी 35 किलोमीटर की होगी। अब बताइए यहां पर तो कोई समस्या है नहीं। अगर 35 किलोमीटर ये डिस्टेंस है तो ये पहली बोट ने जो 7:45 पर चली एक घंटे में ट्रेवल की होगी, तो 35 किलोमीटर अगर एक घंटे में ट्रेवल किया है और ये बोट डाउन स्ट्रीम चलिए, बोट क्या चलिए डाउन स्ट्रीम चलिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 26 प्लस वाई किलोमीटर बराबर, जबकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोट डाउन स्ट्रीम एक घंटे में गया कितना 35 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 35 होनी चाहिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर यानी कि ए ऑप्शन। तो स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया ए ऑप्शन यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सी बात थी। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें किसी भी स्टूडेंट को। आपसे यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ाकर यह भी पूछा जा सकता है कि दोनों बोट एक दूसरे को कहां पर मिली, किस बिंदु पर मिली। अगर y 9 किलोमीटर पर आवर है तो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, 18-9 कितना होता है 9, 18-9 कितना होता है 9, इस बोट की स्पीड कितनी जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। और ये 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे में कितना जाएगी 36, ये डिस्टेंस यहां से आता है कि 36 होगी, यानी कि जो दोनों बोट मिलेंगी वो पॉइंट बी से 36 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, खत्म। आपसे ये भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो सवाल ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ओके सवाल नंबर 9, एंड सवाल नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी सीजीएल में इसी टाइप के सवाल आते हैं सिंपल से। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। एक मोटर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का जो रेशियो है वो 55:7 दे रखा है क्वेश्चन में, 55:7 दे रखा है। अच्छा, द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 6:24। एक बोट जो है धारा की दिशा में कोई दूरी 6:24 में जाती है, इट विल कम बैक इन, तो वापस कितने समय में आएगी, वापस कितने समय में आएगी, यानी कि अप स्ट्रीम। क्वेश्चन घुमा फिरा के ये दे रखा कि अगर कोई दूरी बोट डाउन स्ट्रीम 6:24 में जाती है तो अप स्ट्रीम वापस कितने समय में आएगी। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड के रेशियो की बात करूं, मैं अगर इनके स्पीड के रेशियो की बात करूं, गौर से सुनना, अगर मैं बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड के रेशियो की बात करूं, क्लियर है, कोई डाउट है? देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ करंट का रेशियो 55:7 है, तो डाउन स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड 55+7 62 और 55-7 यानी कि 48, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो हो जाएगा। बट डाउन स्ट्रीम स्पीड का होता है x प्लस y और अप स्ट्रीम x माइनस y, ये हो गया 62:48 का मतलब 31:24। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड की स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो ये है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, कोई दूरी डाउन स्ट्रीम गई और वापस अप स्ट्रीम आई, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड का रेशियो 33:24 है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो कितना होगा, जस्ट रिवर्स 24:31, 24:31 होगा। बोले यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्वेश्चन में ये दे रखा कि साफ साफ डाउन स्ट्रीम में समय लगा 6:24, 6:24 का मतलब हो गया 360+24 384 मिनट, 384 मिनट लगा। तो देखिए 24 + 1 = 24, 14 + 24 = 144, 1 मिनट के लिए 16 मिनट आ गई, तो 31 मिनट के लिए आ जाएगी 31 × 16 यानी कि कितना 496 मिनट, यानी कि आप स्टीम वापस आने में कितना समय लगेगा 496 मिनट, एंड 496 मिनट का मतलब 480+16, 480 मिनट का मतलब कितना होता है तुम्हारा 8 घंटा 16 मिनट, तो 8 hours 16 मिनट, 8 घंटे 16 मिनट का समय लगेगा बोट को वापस आने में अप स्टीम। बताओ कुछ था सवाल में, कुछ भी नहीं था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर है आपका 10, सवाल नंबर 10, ठीक है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर, एक मोटर बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो दे रखी है 45, तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 1 hour 20 मिनट, यदि मोटर बोट जो है 80 किलोमीटर की दूरी अलोंग द स्ट्रीम 1 घंटा 20 मिनट में जाती है, 1 घंटा 20 मिनट में, अलोंग द स्ट्रीम बोला है यानी कि बोट की कौन सी स्ट्रीम हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कोई बोट 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है 80 मिनट, 80 मिनट में कितना जाती है 80 किलोमीटर, अगर 80 मिनट में 80 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना जाएगी 60 किलोमीटर जाएगी कि नहीं, यानी कि बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उस बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, बोले कोई दिक्कत है? अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ गई और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 45 है तो जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी ज्यादा है 15, तो करंट की स्पीड क्या रही होगी, करंट की स्पीड रही होगी 15 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के प्रतिकूल सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, धारा के प्रति टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, अगर यहां पे धारा की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, x 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस y यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, बोले यहां तक कोई दिक्कत है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस जानी 80 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा 80/30 आवर, इतना समय लगेगा आप स्ट्रीम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर जाने में, तो 0 से 0 2 सही 2/3 आवर्स, 2 सही 2/3 आवर्स का मतलब 2 घंटा 40 मिनट, 2 hours 40 मिनट का समय लगेगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा 2 hours 40 मिनट। क्लियर, कोई समस्या इसमें? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है।